हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वनराज गोस्वामी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर, जिसमें हम सीखेंगे सेंटेंस और उसके प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट आइडिया। यानी कि कोई भी वाक्य है, ऐसा वाक्य जिसमें शब्दों का समूह और शब्दों का समूह जो कि व्यवस्थित हो, ऐसे सेंटेंस को हम वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित समूह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ निकले वह एक केवल सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमने लिखा है दे आर रीडिंग ए बुक। इसमें इस सेंटेंस का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। यदि हम इन शब्दों को उलट पुलट कर दें, दे आर को इधर लिख दें, दे को इधर लिख दें, रीडिंग को इधर लिख दें, ए को अलग डाल दें और इसका कोई अर्थ न बने, तब ये वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा, अर्थात ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट आइडिया। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। उच्चारण के उद्देश्य के अनुसार वाक्यों के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले डेक्लेरेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, डेक्लेरेटिव सेंटेंस को ही हम कई किताबों में एसर्टिव सेंटेंस के रूप में देखते हैं या स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं, जिसे हिंदी में घोषणात्मक वाक्य कहते हैं, विधि सूचक वाक्य भी इसको हम कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है, प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा गया हो वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को ही हम कमांड वाले वाक्य कहते हैं या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चौथा प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय का होना, आश्चर्य का होना, विस्मयादिबोधक वाक्य। आइए इनके एक एग्जाम्पल और प्रकार को समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक बात वो कह दी जाती है जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। ए डेक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेयर्स और स्टेट्स ए फैक्ट। किसी फैक्ट को बताया जाता है और ओपिनियन किसी विचार को बताया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। इसके दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको हिंदी में सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आई शैल मीट यू एट द ट्रेन स्टेशन, ये एक सकारात्मक वाक्य है, इसका एक अपना अर्थ है और इसमें एक जानकारी हमको दी गई है, एक सूचना हमको दी गई है। दूसरा वाक्य है ही डजंट गेट अप अर्ली, ये निगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया डेक्लेरेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, बड़ा ही सरल है, आपको मालूम है जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया हो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बड़ा ही सरल है, सीधे एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन फ्रांस, तुम कितने लंबे समय से फ्रांस में रह रहे हो। तो मैंने आपको बताया ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा गया हो वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंग्लिश में विशेष रूप से इनकी पहचान के लिए इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इंट्रोगेटिव वर्ड का वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो आप समझ जाइए ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें आदेश दिया जाता है, आदेश लिया जाता है, कमांड दी जाती है, कमांड ली जाती है। यानी कि किसी सेंटेंस में यदि हम कोई आदेश देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड करते हैं, तो वो वाक्य इंपरेटिव कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ओपन द डोर, हमने कहा दरवाजा खोलिए, तो ये एक आदेश है। फिनिश योर होमवर्क, अपना कार्य कंप्लीट कर लीजिए, तो ये भी एक आदेश है। पिक अप दैट मेस, उसको चुन लीजिए। तो जिन वाक्यों में हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को कमांड करते हैं, वे वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन वाक्यों की शुरुआत जो है वो एक वर्ब से होती है। वर्ब का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में आप देखेंगे कि इनकी शुरुआत ओपन से, फिनिश से या पिक से हो रही है, जो कि एक वर्ब है। कई बार ऐसे वाक्यों में काइंडली, प्लीज
या डू नॉट का प्रयोग शुरू में किया जाता है लेकिन उसके बाद तुरंत वर्ब दिया होता है, तो ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत वर्ब से हो आज्ञा सूचक या इंपरेटिव वाक्य कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय हो जाना, किसी चीज को किसी वस्तु को देख करके किसी बात को सुन करके आश्चर्य का प्रकट होना ही क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें हम किसी न किसी आश्चर्य को दर्शाते हैं और विभिन्न प्रकार की साउंड्स का हम इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे मैच के जीतने पर हम अक्सर चिल्लाने लगते हैं हुर्रे, हरी अप, जल्दी कीजिए, दैट साउंड्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छी आवाज है। इसकी पहचान के लिए मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हमें लगा हुआ मिलता है, ऐसे ही विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का मिलना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। इसके अंत में हमको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिलता है, आश्चर्य का प्रकट होना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। जनरली सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं लेकिन आपको अक्सर एक प्रकार देखने को या सुनने को मिलता है, उसको मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें ऐड कर दिया है, जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। आपको बता दूं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ाया जाता था, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट ग्रामर की किताबों में हमको देखने को मिलता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक अलग काइंड के रूप में दिया गया है, इसलिए हम भी इसका अध्ययन अलग से करते हैं। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा यानी कि किसी के लिए शुभकामना या आशीर्वाद या धिक्कार आदि को प्रकट किया गया हो तो ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वह वाक्य जिसमें आकांक्षा अभिव्यक्ति हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, तो हमने इसमें कामना की है, इच्छा की है, तो इसलिए ये वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। मे गॉड बी काइंड, भगवान की तुम पर कृपा हो, भगवान तुम पर दयालु हो, ये मेरी इच्छा है, तो ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा प्रकट की जाए, जिनमें आशीर्वाद दिया जाए, जिनमें शुभकामनाएं दी जाए, जिनमें किसी के लिए प्रार्थना की जाए, ये सारे वाक्य जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रकार बहुत जल्दी मैंने तेजी से इसको आपको समझाया, आपको समझ में आया हो। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।